पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ खुशी सिंह। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला अब जारी ही रह गया है। वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों में जिस तरीके से पुल गिरने की जो प्रक्रिया है वो जारी रह रही है, तो वहीं अब विपक्ष इस पे कड़े सवाल उठाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि बुधवार यानी कि कल फिर से बिहार में 4 पुल एक साथ गिर गया। आपको बता दें कि सारण जिले के 2 पुल, तो वहीं महाराजगंज के 1 और सिवान में भी 1 पुल गिर गया। इसके पहले आपको बता दें कि 18 जून को अररिया में 1 पुल गिर गया जो कि 12 करोड़ की लागत से बन रहा था। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद मोतिहारी में भी पुल गिरा और 22 जून को सिवान में पुल गिर गया। आपको बता दें कि इस तरीके से पुल गिरने की जो बार बार पुल गिर रहा है, तो इस पे अब विपक्ष बड़े सवाल उठाती नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर सीएम नीतीश पर हमला भी बोला था, तो इसको लेकर सीएम नीतीश के मंत्री अशोक चौधरी ने भी तेजस्वी यादव पर उल्टा निशाना साधा था और पलटवार किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी बिहार में पुल गिर रहा है इसमें सरासर तेजस्वी यादव की गलती है। उन्होंने साफ साफ तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। वहीं आपको बता दें कि अब पुल गिरने की जो प्रक्रिया है, अब इसको पुल गिरना जो बिहार में जारी है, अब इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमला बोल रही है। जहाँ तेजस्वी यादव सीधे सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा पुल गिरने के पीछे क्या कारण है, तो वहीं आपको बता दें कि पक्ष भी अब इसको लेकर चुप्पी नहीं बरत रही है। पक्ष भी सीधे सवाल उठा रही है कि जब हर चीज़ का नौकरी का क्रेडिट जब तेजस्वी यादव लेते हैं, तो पुल गिरने के पीछे किनका हाथ है, उन पे तेजस्वी यादव क्यों नहीं अपने आप को इसका कारण बता रहे हैं। जी हाँ, पक्ष ने ये बड़ा सवाल खड़ा किया कि जब नौकरी की बात आती है तो तेजस्वी यादव सबसे पहले सामने आते हैं, तो जब पुल गिर रहा है तो इस पे किसी और को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पे विपक्ष क्या कुछ कहती है और कितने सवाल उठाती है। इससे मिलकर जो भी अपडेट है हम आप तक पहुँचा रहे हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।